टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेटनेसडे को जो है आपका एग्ज़ाम है 15th आपका जो है क्या कहते हैं दिसंबर को, तो मैथमेटिक्स 233 जो पेपर बी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो मतलब स्टूडेंट्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया हुआ है 2021 का फर्स्ट एनुअल, ठीक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम 2021 के फर्स्ट एनुअल में जो पेपर में क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, फाइंड इंटेग्रल एक्स स्क्वायर रूट डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट आपके पास आपने इंटीग्रेशन करनी है एक्स के स्क्वायर रूट की, एक्स की पावर आपके पास है 1/2। अब आप क्या करते हैं कि आपके पास ये जो एक्स है ना, इसकी बेस का डेरिवेटिव, जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है 1 होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन में अगर आप किसी चीज़ के ऐसी आपका वेरिएबल जिसकी बेस के ऊपर कोई पावर हो तो बेस के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, अगर आप 1 लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप देखते हैं इंटीग्रेशन में बेस के ऊपर कोई पावर हो और बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो स्टूडेंट आप क्या करते हैं कि आप इसकी पावर में एक ऐड करते हैं और वो ही ऐड होने वाली जितनी भी जो भी पावर ऊपर बनेगी वो आप नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस सी लगाते हैं, जैसे इंटीग्रल ख़त्म होता है तो आपने सी लगाना है। अब यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल ख़त्म हो चुका है, एक्स की पावर आपकी यानी कि इसका आप एलसीएम ले लें या देख लें 0.5, ये एक और आधा मिलकर डेढ़ बनते हैं, डेढ़ स्टूडेंट 3 का हाफ होता है, या 2 * 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 3/2 एक्स की पावर और नीचे भी पावर बन रही है 3/2, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो 2/3 एक्स की पावर 3/2 आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटेग्रल। इसमें आपके पास जो मतलब क्वेश्चन है कि 1/t³ + 1/t² -2, तो स्टूडेंट नीचे वाली जो आपके जो यहाँ पे वेरिएबल्स जो पावर्स में हैं कुव्वतनामा में है, इनको ऊपर आप ले जाएंगे तो ये माइनस यानी कि 3³ जो है ऊपर जाके -3 हो जाएगा। इसी तरह आपका ये जो 2 है पावर यानी स्क्वायर है ऊपर जाके -2 हो जाएगी, ठीक है, और -2 आ जाएगा। अब आपने अलग अलग इंटीग्रेशन लगानी है इन सब के ऊपर, तो आपने देखना है कि इंटेग्रल इंटू टी की पावर -3 इंटू डॉट डी टी, उसी की रिस्पेक्ट से आपकी ये एक्सटेंशन भी लगेगी इंटेग्रल के साथ। सबके साथ आपने अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लेनी है। उसके बाद फिर से पहले क्वेश्चन की तरह इस टी की बेस यानी इसकी पावर है -3, इस बेस का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। आप इस चीज़ पर इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि अगर बेस की पावर आपका बेस का सॉरी डेरिवेटिव 1 ना हो तो उस केस में आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, मतलब डायरेक्ट आप इस तरह से पावर में ऐड और डिवाइड नहीं कर सकते, आपको इसके साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना ज़रूरी होता है। तो बेस टी है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, जहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इन सब के हिसाब से इसके बेस का भी डेरिवेटिव 1 है और इस टी का डेरिवेटिव भी 1 है, जबकि पावर -2 थी, तो आप देख ले पावर में हमने एक ऐड किया और उसे डिवाइड कर लिया। अगर साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर डिवाइड में ले आते हैं, और -2 आ गया, और 1 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू टी टी होती है, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो फिर 1 की इंटीग्रेशन टी होती है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब इसके बाद आपकी पावर आ जाएगी -2 और -2 डिवाइड में, ये -1 हो गया, टी भी नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास -2 + 1 -1 आ जाएगा, ये साइन से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नीचे साइन हो चाहे ऊपर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी साइन हो तो वो शुरू में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये -1 थी, नीचे आके पॉजिटिव हो गई, और -2t + कॉन्स्टेंट आपके पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड इंटीग्रल x + 1/x। आपको बता दूँ आपने x 1/x में x की पावर नेगेटिव नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आपका 1/x डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ x का, ठीक है ना। अगर आप मतलब के नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव ले तो वो होता है 1/x, तो फिर 1/x की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ऑपोजिट होती है, ठीक है। अलग अलग दोनों पे इंटीग्रल लगा लें, एक्स का आपका होगा कि इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 1 है, तो उसके आपने पावर में एक ऐड करना है और वही पावर डिवाइड करनी है, प्लस 1/x आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है,
तो इसका मतलब है कि अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो उसकी इंटीग्रेशन 1/x होगी, मतलब जो डेरिवेटिव का आंसर होगा वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्लस 1/x, तो मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये 1/x बनता है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास ये 1/2 या x²/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट, अवेल्यूएट आपने करना है इनको, अलग अलग डेरिवेटिव इनके सॉरी इंटीग्रेशन लगा दें, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रल के शुरू में ले आएँ, ए को भी और बी को भी, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्स की पावर क्या है, एम, इसके साथ एक्स का डेरिवेटिव है 1, इसी तरह इसके साथ एक्स का डेरिवेटिव है 1 और इसकी पावर एन है, तो अब आप क्या करेंगे, पावर में ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर में ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास a/(m+1) इज अ कॉन्स्टेंट, एक साइड पे कर लिया हमने और x की पावर हो जाएगी m+1, इसी तरह b/(n+1) और x की पावर हो जाएगी आपकी n+1, यानी कि वो ये m में है, वो प्लस m में है, सॉरी n में है, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपके पास स्टूडेंट इस तरह से आता है कि आपने इसकी फॉर्म बनानी है, ठीक है। इंटेग्रल एक्स आपके पास है डिवाइड बाय, पहले हमने क्वेश्चन ये लिखा है कि नीचे वाले की पावर क्या है, 1.dx। अब स्टूडेंट इस एक्स को साइड पे ले आएँ, अब इसकी बेस का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया भी है कि बेस का डेरिवेटिव लेना, और ये 1/x की फॉर्म में होगा, इसको नेचुरल लॉग में लेके जाना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा भी रहे होंगे, जब पावर में एक आप एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो -1 + 1 स्टूडेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने यानी कि इंटीग्रेशन में एक्स की पावर -1 नहीं बनानी, उसको 1/x रखना है, ठीक है। अगर आप उसको -1 बनाएंगे तो जब आप उसमें पावर ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम नहीं करना हमने, बल्कि उसको फ्रैक्शनली रखना है, क्योंकि 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होती है, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले आप स्पेस का, 1 + 2x का तो आपको पता है 1 का डेरिवेटिव 0, इसका पावर शुरू में पावर में से कम, बेस का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो 2x आपके पास डेरिवेटिव है। यहाँ पर आपके पास x वेरिएबल था, आपने 2 आपने इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1/2 करके डिवाइड भी कर दिया, 2 2 से कट जाता है, लेकिन आपका 1/2 रहेगा। ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब आप इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पावर में एक ऐड और डिवाइड नहीं होगा, ये फ्रैक्शनली है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटेग्रल में 1/x जो होता है ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसकी पावर भी नीचे क्या है, 1, इसकी बेस का डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा, तो 2 कॉन्स्टेंट है, शुरू में आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का 0, तो स्टूडेंट 2 इसके साथ होना चाहिए था, नहीं है, तो हमने 2 लगा भी दिया और 2 को डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, जो 2 2 से कट भी जाता है, लेकिन हमारी सिचुएशन कंप्लीट हो गई, 1/2 वैसे रहेगा, ये नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। 7 आता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर एक्स। आपको बता दूँ कोट स्क्वायर का डेरिवेटिव या कोट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, डेरिवेटिव तो लिया जा सकता है बट कोट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आपने कोसेकन स्क्वायर जो है ना एक्स माइनस 1, इसमें मतलब कि कोट स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस कर देना है। और आपको बता दूँ कोसेकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव में, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकन स्क्वायर एक्स, तो स्टूडेंट माइनस कोसेकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोट एक्स, ये नेगेटिव आपको दोनों तरफ लगाने पड़ेंगे। अगर आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो कोसेकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कोट होगी, सिंपल क्वेश्चन फिर भी वही चीज़ रहेगी, ठीक है। इसी तरह आपने 1 की इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा इसके जगह, दरमियान में माइनस है तो ये आपका आंसर प्लस सी लगेगा, जैसे इंटीग्रल खत्म हो जाता है इंटीग्रेशन में तो सी लग जाता है, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन 8 आता है स्टूडेंट, अवेल्यूएट। अब यहाँ पर आपके पास दो यानी कि देखें एक्सप्रेशन, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, एक आपके पास वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्टूडेंट मेथड ये होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस रूल के मुताबिक एक्स एज इट इज आ जाएगा। आपको बता दूं कि साइन कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो स्टूडेंट माइनस साइन की इंटीग्रेशन होगी कोस, तो ये माइनस लगाया भी है, यहाँ पे आपने माइनस खत्म भी करना है, यानी मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये माइनस बाहर रह जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको बता दूँ इंटेग्रल में साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होगी, सिंपल चीज़ है, वो भी लिख सकते हैं आप, तो ये फॉर्म ना बनाएं, तो साइन की ही इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगी माइनस कोस।
इसके बाद आपके पास यहाँ भी माइनस कोज आ जाएगी, ठीक है, और वही माइनस आपका बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन। अब नेक्स्ट स्टेप में मजीद आप देखेंगे कि माइनस एक्स कोज एक्स वैसे ही है, प्लस कोज की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन पॉजिटिव, क्योंकि मैं बता दूं आपको साइन का डेरिवेटिव है कोज, तो कोज की इंटीग्रेशन साइन। अगर आपके पास कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो फिर माइनस साइन की इंटीग्रेशन कोज होगी, या फिर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज होगी। ये वैल्यूज आपको याद करनी है। एवेल्यूएट आपके पास ये है कि साइन की पावर वन डिवाइड बाई टू एक्स है, ठीक है, और इंटू कोज एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट यानी कि साइन एक्स की पावर है वन डिवाइड बाई टू, और मैं आपको बता दूँ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स, यानी साइन पावर के साथ उसके बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब सिंपल क्या होगा, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी बेस के ऊपर कोई भी पावर हो, आप अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसमें पावर वाली फॉर्म में, हम पावर में एक ऐड और डिवाइड तब करते हैं जब इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब हो रहा है यहाँ पे कि साइन का डेरिवेटिव है कोज, तो हम देखते हैं कि इसकी पावर वन डिवाइड बाई टू है, हम पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक हाफ और एक आपका थ्री डिवाइड बाई टू, थ्री डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो टू डिवाइड बाई थ्री, नीचे नीचे यहाँ पे टू है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टू डिवाइड बाई थ्री, और ये ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी टू डिवाइड बाई थ्री, और ये आंसर आ जाएगा, सही हो गया। अब ये स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है, दूसरी नहीं आपको बता दूँ, आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइड बाई एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसके साथ एक सेकेंड यानी कि वेरिएबल या कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। वेरिएबल तो आप ले नहीं सकते, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ हमने वन को मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, सेकेंड वैल्यू फिर वन हो जाएगी, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल लगता है इसमें, ठीक है, ये आपने याद करना है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी दो बार इंटीग्रल लगेगा, और फिर आपने सेकेंड की इंटीग्रेशन करनी और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होती है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन है, ये ऑपोजिट है, मैंने बताया था आपको, माइनस आ गया, इस वन की इंटीग्रेशन एक्स होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है वन, तो ये सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइड बाई एक्स, और उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो एक्स एक्स से कैंसिल वन आ जाएगा, वन इंटीग्रेशन फिर से एक्स आ गई, इनमें से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन आंसर आ जाएगा, और प्लस सी आपने लगाना है जैसे ही आपका ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, प्लस सी लगा देंगे, सही है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है आपके पास बिल्कुल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह, एक और सवाल तो तीन हो गए ना, तो एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट हो गई वैल्यू और सेकेंड वैल्यू एक्स है, फर्स्ट एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये वाली, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, इसकी बेस का डेरिवेटिव वन है, पावर में ऐड करें डिवाइड कर दें, इधर भी आपके पास पावर में ऐड करें डिवाइड करें, बाकी तो वही सारा एज इट इज आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ जाएगा। अब आप देखेंगे स्क्वेयर में से एक कट गया, वन डिवाइड बाई टू कॉन्स्टेंट आपने बाहर निकालना है, माइनस वैसे ही एक्स स्क्वेयर ओवर टू ये आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, अरेंज किया हुआ है, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये आपके पास बेस इसका डेरिवेटिव वन है, पावर में ऐड फिर डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वेयर ओवर टू हो जाएगा, यहाँ पे टू टू द फोर हो जाएगा, यहाँ पे या तो फोर कर लें या फिर दोनों एक्स स्क्वेयर ओवर टू को बाहर निकाल लें, और आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाय टू, और प्लस सी लगा देना आपने, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट आता है फाइंड आपने करना है अब इसमें क्वेश्चन में कि आपने लिमिट भी लगानी है, इंटीग्रेशन में लिमिट, तो आपके पास है वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स, इसकी पावर क्या है वन, इसकी बेस का डेरिवेटिव आपके पास होगा जीरो प्लस वन, ठीक है, ये नेचुरल लॉग में चला जाएगा, बताया था आपको, ये इंटीग्रल अब खत्म हो गया तो इसकी लिमिट कैसे लगेगी, दो इस तरह से बार लगाएं और इसके ऊपर लिमिट इस तरह से लिखें। अब आपने क्या करना है, ये पूरे सवाल में इंटीग्रेशन जब हो जाएगी तो ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखना है रिप्लेस करते हुए एक्स के अंदर, तो नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की जगह पर जगह टू आ गया, माइनस फिर नीचे वाली वैल्यू लिखनी है,
ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दें और माइनस करके इसमें नीचे वाली वैल्यू पुट कर दें, ठीक हो गया। तो यह आ जाएगा 2 + 1 ये कितने हो गए 3 और 1 + 1 2। स्टूडेंट आपको जो है लॉगरिथम का रूल आता होगा कि लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए डिवाइड बाय बी, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 के इंटेग्रल 0 से पाई डिवाइड बाय 4 है, ठीक है। 0 से पाई डिवाइड बाय 4 इसका मतलब लिमिट लगी हुई है सीकेंट स्केयर की, आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो सिंपल है, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर एक्स, तो उसकी सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन कितनी होगी स्टूडेंट, टेंजेंट एक्स। सिंपल सा है, ये फार्मूला याद करना है आपने, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर एक्स, सो सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन टेंजेंट होगी, ऑपोजिट है ना। तो अब आपके पास में आपने वैल्यू पुट करनी है, टेन में पहले पाई ओवर 4 पुट कर ले माइनस टेंजेंट 0। पाई ओवर 4 के बारे में आपको बता दूं, पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, और अगर आप 180 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको 45 डिग्री मिलेगा। और आपको बता दूं टेंजेंट 45 1 होता है और टेंजेंट 0 0 ही होता है, दोनों वैल्यूज पुट करें 1 माइनस 0 आपका 1 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है 14 स्टूडेंट, इस तरह फिर से लिमिट पुट करनी है। आपको बता दूं सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट टेंजेंट, अगर सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेंजेंट है तो सीकेंट टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट होगी, यानी ये इंटीग्रल में आ गया तो इसका आज क्या बनेगा, सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में सीकेंट टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट एक्स। अब यहाँ पे आपके पास इसकी जगह पे आ जाएगा सीकेंट, और इसकी लिमिट भी आपने वैसे पुट करनी है और फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। ये आपके पास 180 डिवाइड बाय 3 करें 60 डिग्री बनता है। आपको बता दूं कोस 60 होता है 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, 1 डिवाइड बाय सीकेंट। तो अगर आपके पास कोस 1 डिवाइड बाय 2 है तो उसका उसकी वैल्यू ये आपकी आ जाएगी सीकेंट की 2, 2 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू उलट जाएगी, ठीक है। तो माइनस सीकेंट आपके पास जो सीकेंट 0 होता है, और आपको बता दूं कोस 0 आपके पास जो होता है 1 के बराबर, तो सीकेंट भी कोस का रेसिप्रोकल है, तो 1 डिवाइड बाय 1 भी 1 ही रहेगा, ठीक है। ये वैल्यूज आपको समझनी है, 1 डिवाइड बाय कोस अगर आप देखें यानी कि 0 डिग्री, तो आपको बता दूं कोस 0 1 होता है, तो 1 ओवर 1 कितना रहेगा, ये सीकेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर सीकेंट, यानी आप 0 डिग्री निकालेंगे तो 1 ओवर कोस 0 बनेगा जो कि 1 ही रहेगा, और अगर आप यहाँ पर सीकेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर तो वो 1 ओवर कोस होता है। और आपको बता दूं कोस आपके पास 60 डिग्री जो है, ठीक है, वो होता है 1 डिवाइड बाय 2। तो ये देखें 1 डिवाइड बाय ये ना 1 डिवाइड बाय 2 होता है कोस 60, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक है। तो 2 माइनस 1 1 आपका आंसर आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन आता है अवेल्यूएट, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, पहले एक्स कोज एक्स है तो 0 पाई तक आपका पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जिसमें क्या हो जाएगा एक्स वैसे ही आ जाएगा, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन पॉजिटिव, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि कोज की इंटीग्रेशन होगी आपकी, एक मिनट रुके यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है, कोस की इंटीग्रेशन आ गई साइन, ये चीज़ें ना देखें इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए किया गया है, कोस की इंटीग्रेशन आ गई साइन, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए एक्स वैसा ही है, साइन एक्स में अब आपने लिमिट पुट करनी है 0 की, इधर सॉरी आपका आना था यहाँ पे लिमिट लिखी नहीं हुई, लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बल्कि पुट कर दी हुई है, सॉरी लिमिट पुट कर दी है इसमें, देखें पाई और माइनस साइन 0, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूँ इंटीग्रेशन में माइनस साइन की इंटीग्रेशन कोस है, तो माइनस लगाया भी है, ख़त्म भी कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी कोज, इस पर भी लिमिट लगा दें, ये 0 और पाई वाली, और इस पर बाद में लिमिट पुट कर देंगे इसका, तो हो जाएगा साइन पाई आपका होता है साइन 180 0, कोज और साइन 0 0 ही होता है, तो पहली सारी वैल्यू 0 हो गई, कोज पाई आपके पास जो होता है वो होता है माइनस 1, यानी आपको बता दूँ कोज 180 डिग्री आपका क्या होता है माइनस 1, जबकि कोज 0 0 होता है, तो वह माइनस 1 आ गया, और सॉरी कोस 0 भी 1 होता है, कोस पाई माइनस 1 कोस 0 1 होता है, कोस 90 पे 0 होता है, जबकि साइन 90 पे 1 होता है, साइन 0 पे भी 0 होता है और 180 पे भी 0 होता है। अब ये आपने यहाँ पे निकालनी है वैल्यू, तो एक्स तो सारी 0 हो गई, प्लस यहाँ पर आपके पास कोस पाई माइनस 1 है और ये आपके पास माइनस दरमियान में, और कोस 0 भी 1 माइनस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 डेफिनेशन है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
डेफिनेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, डेरिवेशन कह सकते हैं, विच यानी कि अपेयर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट आपका होगा पावर वाला, जो ऑर्डर वाला आपका डेरिवेटिव, वो आपके पास उसमें आप जो वैल्यू लेंगे, जो जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी वही उसमें आप ऑर्डर और उसी के अंदर आप डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अभी है आपके सामने आ रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, आपने यहाँ पे ऑर्डर भी फाइंड करना है और डिग्री भी फाइंड करनी है। हाईएस्ट पावर किसकी है यहाँ पर, हाईएस्ट तो एक आपके पास यही दोनों है ना सब में, इसमें आपके पास ये डिग्री है स्टूडेंट, ठीक है, और ये आपके पास ऑर्डर है कि डी की पावर वन है। तो बता दूँ आपको, ऑर्डर वन है, अगर सेकेंड डेरीवेटिव होता तो ऑर्डर टू होता, फर्स्ट डेरीवेटिव है तो ऑर्डर वन और डिग्री आपके पास ये है तो डिग्री कितनी है, टू। आगे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इसका आपने स्टूडेंट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 10 है, इसमें आपके पास माइनस साइन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले आप फॉर्म देखें कि ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डी वाई के साथ इधर वन वैसे ही कॉन्स्टेंट लेते हैं, इंटीग्रल लगा लेते हैं, और इस तरफ भी इंटीग्रल लगेगा तो ये माइनस साइन एक्स प्लस थ्री एक्स, इसके साथ अब आपने क्या करना है, ये ऐसे ही रहेगा, इनके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएं, इंटीग्रल माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स और प्लस में थ्री बाहर कॉन्स्टेंट ले लें और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट, जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई आ जाएगा इक्वल टू माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इंटीग्रेशन होती है कॉज एक्स प्लस थ्री एज इट इज आ जाएगा। इसमें आपके साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर टू है, टू में ऐड करें और डिवाइड कर दें, थ्री हो जाएगी, थ्री थ्री से कट गई और आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्म को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल की। क्वेश्चन 19 आपके पास है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही चैप्टर, जिनके चैप्टर 10 का क्वेश्चन है आपका, एक्स डी वाई इज इक्वल टू थ्री वाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स डी वाई के साथ टैली नहीं करता, एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, थ्री रहने दें इधर ही, वाई इधर से इधर यानी कि मल्टीप्लाई इधर आके डिवीजन हो जाएगा इक्वल का, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब वन डिवाइड बाई वाई, दोनों तरफ आप इंटीग्रल लगा दें, ये बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वन डिवाइड बाई वाई का आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ये तो फार्मूला है, ठीक हो गया, और यहाँ पर आपका थ्री आ गया, ये भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आप देखें कि ये पावर जो होती है, जो कॉन्स्टेंट है लॉग के आगे बेस हो तो उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कौन से साइन में है, पॉजिटिव, उधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी के मुताबिक अब यहाँ भी आपको लॉग सी लगा देना, कॉन्स्टेंट के साथ लॉग लगाने से फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दूँ लॉग नेचुरल लॉग ऑफ वन इक्वल टू क्या होता है आपका, ये स्टूडेंट आपके पास जीरो होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ वन सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ वन आपके पास वन होता है, इसके साथ मैं नेचुरल लॉग ऑफ वन को मल्टीप्लाई कर दूं अगर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नेचुरल लॉग ऑफ सी बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास लॉग ए माइनस लॉग बी के मुताबिक लॉग ए बटा बी हो गया। अब बता दूँ दोनों तरफ अगर लॉग लगे हों तो लॉग रिमूव हो जाते हैं और वाई और ये आ गया और एक्स क्यूब इधर आपके आपके जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर है। अब आता है क्वेश्चन 20, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू टेन वाई डॉट डी वाई। यहाँ क्या करेंगे, टेन की अलग से इंटीग्रेशन और इधर भी अलग लगा देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, विद रिस्पेक्ट टू वाई ही है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर टेन को साइन ओवर कोस करें, यहाँ पर इसको भी साइन वाई ओवर कोस वाई यानी एंगल्स के साथ, अब ये आपका हो जाएगा वन ओवर कोस, ठीक है, और ये आपके साथ माइनस साइन, और ये अब देख सकते हैं कि वन ओवर कोस, कोस की वन आ गया ना, इसके पावर कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा आपको और यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके शुरू में इक्वल लगाएं, बल्कि नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रूव होने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे माइनस इंटीग्रल बिल्कुल वैसे ही, आपने इसको भी उस फॉर्म में लेके आ गए, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और वाई का वाई रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ये बन जाएगा आपके इसके साथ, इसका मतलब कि डेरिवेटिव है बेस का, तो वन ओवर एक्स का आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव में, यहाँ आपके पास पॉजिटिव में है। ठीक है ना, और यहाँ आपके पास पॉजिटिव में आया है, मतलब हल्के नहीं सॉरी, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और यह प्लस सी रह जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इस तरह से लिखा हुआ हमने कि ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया,
इधर जाके। अब आपको बता दूं, इसको मैंने पहले लिख दिया पॉजिटिव को, नेगेटिव को बाद में, और इधर भी नेचुरल लॉग लगा दिया। लॉग ए माइनस लॉग बी के मुताबिक इसको फ्रैक्शनल ले गए हम, ठीक हो गया, लॉग दोनों तरफ रिमूव हो गए हैं। ये वैल्यू आपके सी उधर जाके माइनस कर लें, कुछ भी कर लें इसके साथ, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, आप मतलब इसको सोल्व कर चुके हुए हैं, इतना कर लें काफ़ी है। स्टूडेंट आता है सोल्व द डिफरेंशियल, जिसमें डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों तरफ इंटेग्रल लगा लें, ठीक है, इसके साथ कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है तो वन लगा लें, ठीक है। और उसके बाद वन की इंटीग्रेशन वाई होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सीकेंट स्केयर टेन का डेरिवेटिव, तो टेन की इंटीग्रेशन सीकेंट होती है, सॉरी सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव है सीकेंट स्केयर, ठीक है, टेन का डेरिवेटिव है सीकेंट स्केयर, तो सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन टेंजेंट होगी, रेसिप्रोकल। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हुई प्लस ई लग गया, आंसर आ चुका है। आगे आता स्टूडेंट, व्हाट इज फोरियर सीरीज। ये फोरियर सीरीज क्या होती है कि आज फोरियर सीरीज डीकम्पोजिज आप पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनटू सम ऑफ अ सेट ऑफ सिंपल ओसिलेटिंग फंक्शन कॉल्ड साइंस एंड कोसाइन। ये आपके पास साइन और कोसाइन दोनों जो होंगे वो आपके पास जो मतलब वैल्यूज बना रहे होंगे एक सिंपल ओसिलेटिंग में, ठीक है, जिसमें मतलब के उतार चढ़ाव आता है, वो आपकी बनेगी फोरियर सीरीज। ये एक सीरीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन 23 स्टूडेंट आपके पास है, पीरियोडिक फंक्शन, डिफाइन पीरियोडिक फंक्शन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शन यूज्ड इन दिस सीरीज, जो फंक्शन हम सीरीज में यूज करते हैं आर पीरियोडिक, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट एंड टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है। वो कहता है देयरफॉर दिस सीरीज इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, जो कि 2π पूरे सर्कल में इसके अंदर यानी कि काउंट होते हैं। अब कहता है कि क्वेश्चन 24 में, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स जो साइन एक्स होता है इसका पीरियड 2π है, अभी हमने पीछे बात की थी। पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कोज एक्स दोनों के लिए बोथ इज सेम, चाहे साइन एक्स हो चाहे दोनों के लिए सेम, विच इज 2π, जो कि 2π है। अब एक आपके पास क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर, जो आपका लास्ट चैप्टर है, ये पिछला क्वेश्चन चैप्टर 11 था, ये चैप्टर नंबर 12 है आपका, जिसमें आपके पास है लैपलेसिस, ठीक है, लैपलेस वाला चैप्टर है। क्वेश्चन 25, राइट द फार्मूला फॉर लैपलेस, और ये आपके पास यू की पावर एन इंटू टी है। इसके लिए स्टूडेंट आइए एन नहीं है, बेसिकली ये मतलब डबल प्राइम है, डबल डेरिवेटिव, तो आपका एक फार्मूला यूज होता है इसके लिए, ये आपने सिर्फ याद करना है, एस स्क्वायर इंटू लैपलेस यू इंटू टी, ठीक है, और माइनस एस और यू इंटू जीरो माइनस यू का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, ये आपने याद कर लेना, बस इतना सा आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन। इसको पहले लैपलेस में टी की पावर एन में ले जाइए, और इसका सिंपल सा ही है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, अगर वन होता है तो वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन प्लस वन, ठीक है, यानी ये आपके पास वैसे वन ओवर एस स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर टू हो जाएगा तो आपका आ जाएगा टू का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर टू प्लस वन, यानी ये आपका आ जाएगा टू डिवाइड बाय एस का क्यूब। तो ये आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है, ये एक फार्मूला है किसका, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, व्हाट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस 60। तो आपको पहले बता दूं, ये सॉरी बाय मिस्टेक कोस साइन लिख दिया है, ये कोस ओमेगा टी है, ठीक है, क्या है, कोस ओमेगा टी। इसका फार्मूला होता है एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये आपने बुक में चेक कर लेना है। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या है, 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिंपल सा सवाल है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए लैपलेस में ट्रांसफॉर्मेशन का, तो एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 36, ये आपका आंसर आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आ गए होंगे। अब लॉग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट होते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अवेल्युएट इंटीग्रल में आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, ax प्लस पी एक्स का पर क्यूब एंड प्लस सी एक्स पर की उसकी पावर मतलब -7x की, ऐसे लिख लेते हैं, और डिवाइड बाई एक्स की पावर पर स्क्वायर यानी -2 है डॉट डी एक्स। आप सबसे पहले इसको सोल्व करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, पहले लेट कर लें, इंटीग्रल की वजह से पता चल रहा है इंटीग्रेशन है, इनकी पावर इसको एलसीएम को तोड़ दें, पहले एलसीएम ब्रेक करें,
तो ए एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर माइनस टू प्लस बी एक्स की पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स की पावर माइनस टू प्लस सी एक्स की पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स की पावर माइनस टू। जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे ये एक्स के ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। आपको मैंने बताया था आपने एक बटा एक्स की फॉर्म बनानी होती है, आप एक्स की पावर माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि मैं इस वैल्यू को ऊपर भेजूंगा तो माइनस थ्री प्लस टू करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस वन, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें माइनस वन में नहीं चाहिए, हमें वन ओवर एक्स में रखना है। तो आप इस बड़ी वैल्यू को नीचे भेज दें तो ये थ्री तीन में से दो निकल के तो एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है, थ्री माइनस टू इक्वल टू वन। इसी तरह ये आपके पास माइनस वन तो नहीं है ना, तो माइनस सेवन ये वैल्यू ऊपर भेज देंगे पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको बता दूं टू प्लस वन एंड इसकी वैल्यू आपके पास थ्री माइनस टू ये आ गई और इसकी हो जाएगी माइनस सेवन प्लस टू। तो फॉर्म क्या बन रही है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी एक्स की पावर माइनस फाइव। अब स्टूडेंट सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाए, सो इंटीग्रल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो डॉट डी एक्स साथ लगेगा लाजमी, ठीक है, प्लस इंटीग्रल बी ओवर एक्स डॉट डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ये आपके पास और सी एक्स की पावर माइनस फाइव डॉट डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रल के शुरू में लेते हैं, फिर एक्स की पावर इसके साथ देखिए बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है सबका, तो पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, इसका आप वन ओवर एक्स है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनेगा, इसका आपका हो जाएगा पावर में ऐड और डिवाइड, ये फोर हो जाएगा डिवाइड बाय नीचे भी फोर है और प्लस पी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ये आपके पास प्लस में माइनस फाइव प्लस फोर करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। बड़ी रकम के साथ माइनस है, आप पाँच में से एक निकाल रहे हैं बाकी चार आएगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन की वजह से आप इसको नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद माइनस फोर आ गया डिवाइड बाई, अब ये माइनस शुरू में आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सारी वैल्यूज ऐसे ही हैं, ये ऊपर आपके पास एक्स की पावर माइनस फोर है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब आ जाता है स्टूडेंट इसके पार्ट बी की तरफ, ये आपका क्वेश्चन चार नंबर का था, ठीक है, फोर मार्क्स का, क्योंकि आपका पेपर 75 मार्क्स का है, आपने वो 27 शॉर्ट क्वेश्चन जो किए थे उनमें से आपने 18 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और इसमें से आपके ये क्वेश्चन हो गए दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है ना, सिक्स क्वेश्चन टोटल बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन आपके लॉन्ग, इनमें से आपने कोई से तीन करने हैं, ठीक है, और उन्हीं तीन में आपके दो दो पार्ट्स होंगे। अब क्वेश्चन बी देखें इसका अवेल्यूएट, आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन है वन डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स, आपको पहले बता दिया था इसका कि इसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर आपके पास इसका कोई डेरिवेटिव नहीं, आपको पहले इसको रैशनलाइज करना है, तो वन प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हुए आप एक बार मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब सिचुएशन कंप्लीट हो गई, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज, नीचे आपके पास स्टूडेंट एक फार्मूला है ए प्लस पी इंटू ए माइनस पी, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लें। इसके साथ ही हम जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर बन गया नीचे, ये इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर के, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ब्रेक करें, वन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर अलग कर दें माइनस साइन, इस तरह से जो है आपके पास साइन के पास आपके पास वन ओवर कोस स्क्वायर बन जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर, और साइन एक्स ओवर कोस यानी कि ये वैल्यू आपके पास अलग अलग करेंगे, हम कोस स्क्वायर के दो टुकड़े कर देंगे, ठीक है, साइन को भी एक कोस दे देंगे और कोस एक हमारा अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर साइन ओवर कोस टेन हो जाएगा, वन ओवर कोस सीकन हो जाएगा। सीकन स्केयर की इंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट टेंजेंट, सीकन टेंजेंट की होती है सीकन एक्स, आंसर आ गया। इसी तरह आपका इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखें, आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसमें टेंजेंट स्क्वेयर है, इसमें टेन की फोर है, आप क्या करें टेन की फोर के दो टुकड़े कर दें, ठीक है, इसमें से दोनों में से आपका टेन स्केयर बाहर आ जाएगा, इसमें आपके पास वन बचेगा यहाँ पर, इसमें दोनों में टेन में से एक टेन स्क्वायर बच जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर आपको बताया था सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, फॉर्मूला है, तो उसके बाद टेन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखेंगे टेन की पावर में एक ऐड कर दें डिवाइड कर दें, यानी टेन का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर, तो टेन की पावर अगर टू है पावर में एक ऐड किया वही डिवाइड कर दी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर टेन क्यूब डिवाइड बाई थ्री भी कह सकते हैं प्लस कॉन्स्टेंट। इसका बी पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाते थे यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन लेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दो बार इंटीग्रल लगेगा और डेरिवेटिव फर्स्ट का लेना है। यहाँ पर देखेंगे एक्स के एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन ही होती है, माइनस साइन करके बाहर भी लगा दिया माइनस आ गया, माइनस साइन की इंटीग्रेशन होगी कोज, प्लस आपके पास माइनस माइनस हो गया प्लस, इसी तरह यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही सीन होगा क्या, माइनस साइन इधर भी बाहर भी लगाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस साइन की इंडिकेशन कोज हो जाएगी, इस पर डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से कम। यहाँ पर आप देखेंगे टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, सारी चीज़ें एज इट इज़ है, इधर उधर आपके पास
एक्स इंटू कोज एक्स फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए। तो एज इट इज टू आ गया बाहर, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक्स एज इट इज है कोज की इंटीग्रेशन अब हो जाएगी साइन, इसी तरह यहाँ भी साइन हो जाएगी और वन का एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, लेकिन यहाँ आप देखेंगे साइन की इंटीग्रेशन तो यहाँ पर आपके पास फिर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस करने के बाद ये एज इट इज आ गई, माइनस साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी फिर से कोज। अब आपके पास फॉर्म है माइनस एक्स के कोज एक्स प्लस टू, अंदर आपके पास वैल्यू है एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर खत्म हो गई कंडीशन, ये बन गया कोज। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टू कोज एक्स, कोज एक्स कोज एक्स वैल्यू इकट्ठी कर लें, ये पॉजिटिव थी शुरू में ले आ गया, दोनों में आप देखेंगे कोज एक्स कॉमन आता है तो टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोज एक्स और प्लस टू एक्स साइन एक्स, ये आपसे स्टूडेंट आंसर आ गया, सही हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है ना, उसका ए पार्ट है कैलकुलेट करना है आपने इसको लिमिट के साथ करते हुए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेट आई कर लें, लिमिट टू और थ्री है, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए वन ओवर एक्स की पावर वो वन नेचुरल लॉग में जाएगी, इसके साथ आपका डेरिवेटिव क्या है जीरो प्लस टू एक्स, यही है ना, यहाँ पे एक साइड पे लिया हुआ है, एक्स था हमारे पास टू नहीं है, टू लगा दिया वन डिवाइड बाई टू भी कर दिया, इसकी स्टूडेंट कंप्लीट कंडीशन कंप्लीट होगी कि इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में चला गया और वन ओवर टू वैसे ही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे वैसे ही है तो नेचुरल लॉग में आपने एक बार ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, माइनस करके इसमें नीचे वाली वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल हो जाएगा, वन बाई टू वैसे ही है, यहाँ पे आ जाएगा आपका थ्री थ्री नाइन यानी टेन हो गया और फोर टू टू द फोर और प्लस फाइव हो गया और लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बटा बी पाँच फाइव फाइव टू द टेन हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ टू, ये आपका आंसर भी आ गया, सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन। अब आता है इसका बी पार्ट, कैलकुलेट आपने लिमिट है जीरो से पाई डिवाइड बाई फोर को और साइन क्यूब इंटू कोज एक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइन का डेरिवेटिव आप देखेंगे साइन एक्स का क्यूब है इंटू कोज एक्स डॉट डी एक्स, साइन के साथ इसकी बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसकी पावर में ऐड करना, डिवाइड करना और लिमिट लगा देनी है। लिमिट अब आप इसमें देखेंगे साइन एक्स की फोर ओवर फोर है, इसमें से एक बटा चार जो है ना वन डिवाइड बाई फोर कॉन्स्टेंट बाई निकाल लें, अब ये बचेगा इस पर आप लिमिट पुट कर दें, एक्स में पहले आ जाएगी पाई ओवर फोर फिर एक्स में आ जाएगा जीरो, ऊपर वैल्यूज पे पावर तो रहेगी, पाई होता है 180 डिवाइड बाई फोर 45 और यह जीरो ही है, साइन 45 आपको बता दूँ वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू होता है, ठीक है, और स्टूडेंट साइन जीरो जीरो होता है, इसकी पावर कुछ भी हो जाए जीरो खत्म हो गई, इसके ऊपर आपकी पावर है इसकी टू की पावर वन ओवर टू है और ये आपके पास फोर है, टू 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 द फोर हो गया टू आ गई, वन डिवाइड बाई टू में स्टूडेंट बन जाएगा वन डिवाइड बाई टू का स्क्वायर वन डिवाइड बाई फोर, वन वन द वन फोर फोर द सिक्सटीन, ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें पार्ट्स कोई नहीं है और ये आपका चैप्टर नंबर टेन डिफरेंशियल इक्वेशन में से आया हुआ है, ठीक है, आपको बता दूं पीछे लॉन्ग में लिमिट वाले क्वेश्चन चैप्टर आपका जो है वो आपका चैप्टर नंबर नाइन है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो है वो चैप्टर एट और सिंपल क्वेश्चन वो चैप्टर सेवन में से है, सेवन एट नाइन से आपके शुरू होते हैं, फर्स्ट सिक्स तो पेपर ए में है तो सिक्स नेक्स्ट सिक्स जो है वो पेपर बी में है, मतलब सेवन टू ट्वेल्व, तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव आपका चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर टेन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ क्या करेंगे आप, ये डी एक्स है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों में से आपका वन माइनस वाई स्क्वायर में आपने डी एक्स कॉमन ले लिया, इधर से आपके पास वाई, ठीक है, और यानी कि आपके पास डी वाई मतलब ये दोनों कॉमन आएंगे, डी वाई वाई डी वाई यहाँ से भी वाई डी वाई लेंगे तो वन माइनस एक्स में वाई डी वाई कॉमन आएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है, वाई डी वाई। अब आप देखेंगे ये एक्स के लिए है तो इसको एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे डिवाइड, एक्स वाली वैल्यूज एक्स के साथ वाई वाली वैल्यू वाई के साथ बनानी होती है, अब ये फॉर्म बन चुकी है, इसको स्टूडेंट बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखेंगे इसकी क्या पावर है वन, नीचे लिखी हुई है बल्कि, और इसकी बेस का डेरिवेटिव है जीरो माइनस वन, तो माइनस वन चाहिए, माइनस वन लगा दिया वन मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, दोनों मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ आपके पास इसका डेरिवेटिव है टू के साथ से, यानी माइनस टू वाई, तो माइनस टू आपको लगाना है वाई ऑलरेडी मौजूद है और बाहर माइनस वन ओवर टू होगा, टू टू से कट जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कंडीशन कंप्लीट हो गई, ये नेचुरल लॉग ऑफ वन माइनस एक्स आ जाएगा और ये माइनस वन ओवर टू वो माइनस में, यह नेचुरल लॉग ऑफ वन माइनस वाई स्केयर हो जाएगा, ठीक है, एक बड़ा एक्स स्केयर की फॉर्म में आ गया ना आपका, वो एक बड़ा एक्स स्केयर या जो भी नेचुरल लॉग में आ गया। अब आपके पास जो है कि इन दोनों में से इस वैल्यू को मैं इधर ले आऊँ, फिर ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर लिख दी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा दिया, इसको लॉग ए बटा बी और ये नेचुरल लॉग ऑफ सी, इस तरह करते हुए
किसी भी तरीके से कर लें आपका बस आंसर बन जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है ये नेचुरल लॉ के बाद से। ठीक है, अब स्टूडेंट आता है क्वेश्चन सिक्स, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लैपलेस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है ई की पावर माइनस ए टी की। सिंपल है स्टूडेंट, वन डिवाइड बाई एस प्लस सी इसका फार्मूला है। तो सी आपके पास ए है वैल्यू, तो आपका लैपलेस होगा वन डिवाइड बाई एस प्लस ए। ये आंसर आ चुका है और ये क्वेश्चन भी चेक किया गया है, इतना सही इसका। और ये 8 नंबर का सवाल है, यानी अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट हो गया आपका पेपर जो बी है कंप्लीट, सॉल्व करवा दिया आपको 2021 का फर्स्ट एनुअल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। तो स्टूडेंट आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।